हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुब्रताज ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ हमारे ट्रेडिशनल जो रेसिपी है वो शेयर करना चाहती हूँ, प्योर भेज रेसिपी जिसका नाम है चापोड़ घंटो। चापोड़ मीन्स एक दाल के बैटर से तैयार होता है, वो दिखाऊंगी मैं आपको, और पीठा से बनता है। तो आइए मिलके बनाती हूँ चापोड़ घंटो। चापोड़ घंटो बनाने के लिए चाहिए पेठा, जिसे हम लोग कहते हैं कि चाल कुंडो। दाल, मटर दाल जो रात भर मैं भिगो के रखी थी, आप अच्छे से धो के तैयार करके रखी हो। चाहिए राधुनी, हरी मिर्च, तेज पत्ते, अदरक, तेल, नमक, हल्दी और घी। बस इसी से हो जाएगा। पेठे को हमें छील के निकाल के कद्दूकस करके रखना है। और अभी दाल जो है इसका एक बैटर बनाना है। दाल का एक मिक्सिंग जार में दाल को डाल देती हूँ। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ही करना है क्योंकि बाद में सब्जी में भी सॉल्ट दूंगी। थोड़ा सा मैं अदरक पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें ताकि खुशबू बढ़िया आए, और दो हरी मिर्च। बस अगर पानी चाहिए तो पानी थोड़ा सा ऐड करके पीस लूँगी, और तब तक कद्दू को भी कस करके ले आती हूँ। इस तरह से पेस्ट बना लिया 3 टेबल स्पून पानी डाल के, इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। एक पैन गरम करने के लिए रख रही हूँ। पैन गरम हो जाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। बस पैन गरम हो गया है, मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को इस तरह से फैला देंगे पैन में। दाल का जो बैटर है अब मैं इसमें फैला दूंगी। गैस के फ्लेम ना लो पे करके इसे करना है, नहीं तो जल्दी से हार्ड होने लग जाएगा। इस तरह से फैला दूंगी। इसे कहते हैं कि चापोड़। थोड़ा सा इसे चूरचूरा कर दूंगी, तोड़ तोड़ के हल्के हाथों से। इसे पकने देते हैं धीमी आंच पे ताकि हम पलट सके आसानी से। 1 मिनट लग जाएगा पकने में, मतलब एक साइड पकने में। इस दाल के बैटर में अजवाइन या तो फिर कलौंजी, हींग, ये सब भी डाला जा सकता है, बट मैंने नहीं मिलाया। अभी मैं इसे पलट देती हूँ। अब दूसरे साइड को भी 1 मिनट तक हम पका लेंगे। दूसरे साइड को पलट देते हैं। अब हमें इसे तोड़ना है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। ऐसे जो देख रहे हो ना, थोड़ा सा मिडिल में कच्चे कच्चे से लग रहा है, अभी इसमें इस तरह से फ्राई करते करते सारा पक जाएगा। हो गया चापोड़। मैंने इसे साइड में करती हूँ और इसे पैन में मैं छोड़ रही हूँ ताकि पैन अभी हीट है,
तो जो कसर रह गया है वो हो जाएगा, पक जाएगा पूरा। दूसरी पैन ले लिया, इसे गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया, मैं इसे डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। कोई सा भी ऑयल आप जो ऑयल यूज करते हो आप डाल सकते हो, मैं मस्टर्ड ऑयल प्रेफर करती हूँ। तेल को गर्म होने देते हैं, ऑयल गर्म हो गया। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राधुनी, हाफ टी स्पून, दो तेज पत्ते। राधुनी के जगह पे आप जीरे भी डाल सकते हो, आप कद्दू का किया हुआ पेठा। पेठा में बहुत सारा पानी होता है इसलिए पानी और ऐड नहीं करूँगी, नमक डालने से पानी इसका पानी छोड़ देगा या खुद का पानी। आप भी ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, जितना तीखा चाहिए उसी के हिसाब से, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर, हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, मतलब येलो नहीं करना है हमें। एक बार मिला के मैं ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। ढक देती हूँ, बीच बीच में चला लूंगी ढकना खोल के, एक बार चेक कर लूंगी, एक बार ढक्कन हटा के चेक कर लेती हूँ। मैं बीच में एक बार चला दिया था, गैस का फ्लेम ना मीडियम पर ही रखना है, और एक बार ढक्कन लगा दूंगी और एक बार चेक करती हूँ। ऑलमोस्ट हो गया है, अभी ऐड करना है मुझे अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, और जो चापोर बना के रखी थी ये चापोर, और घी। अब सारी चीजों को एक साथ मिलाना है, मिला के 1 से 2 मिनट तक ढक के रखना है, फिर उसके बाद सर्व करूंगी। मैं थोड़ा सा चीनी ऐड कर रही हूँ, चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना ना डालें। इसे एक बार मिला के 2 मिनट के लिए फिर से ढक के रख दूंगी। हो गया 2 मिनट। पेठे से बहुत सारी रेसिपी बनते हैं, उनमें से मैं आज एक दिखाया, मेरे मम्मी बनाती है इस तरह से, मम्मी से पूछ कर ही मैंने बनाई आज। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, डिश आउट करती हूँ। दिखने में बहुत ही यम्मी लग रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ट्राई जरूर करना, और इसे स्टीम राइस के साथ खाने में ज्यादा मजा आता है। ये है चापोर घंटो। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना मेरे इस चैनल को। एक बार ट्राई करके देखना घर पे, और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोगों से मैं फिर से मिलूंगी और एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।